वाह जवाना वाह, जगतार सिंह कित्थों लभ के लियांदी हीरा, बंदा कादा निरे तूफान है, वाहगुरु तेनू चढ़दियां गल्लां बख्शण। अज तो असी तेनू इसे नाम नाल सदांगे ते लुकाई भी तेनू इसे नाम नाल याद करेगी। दाज ओ कोड़ बन चुका है जिसका इलाज साड़ी सोच बदलन नाल होना है, सो सोच बदलो। ते रही गल हथियारां दी, डरन दी लोड़ नहीं, ये तुहानू डराउण लई नहीं, वो तुहाडी रखिया लई है। साड़ी लड़ाई कोई अज दी लड़ाई नहीं, बाबे नानक दे वेले दी लड़ाई चलदी आ रही है, जो जुलम दे खिलाफ जबर दे खिलाफ। ते ए लड़ाई उदों तक चलदी रहनी आ जदों तक जालम जाउंदे आ, जदों तक जाबर जाउंदे आ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहार। एक बेनती है जी, कादियां तो हो रहे साडा कोई गिरजा नहीं, असी बनाउण दी कोशिश कीती सी पर कुछ हथियारबंद बंदियां ने आके काम बंद करवा दिता। वो आखदे इत्थे काम नहीं चलना। असी भी बहुत औखे हाँ जी, दुध बेच के निक्के न्याणे पालदे हाँ, रात बराते घरों निकलना पैंदा है, ते खरूदिए हथियारां दी नोक ते साडी दिन रात दी कमाई लुट लैंदे ने। जिन्ने औखे असी हाँ उन्हां ते कोई भी नहीं, साडी ते सारी बिरादरी पंजाब छड़ छड़ के जाई जांदी है। हालात तो इन्ने माड़े हो गए ने वीरा, की दसा, घरों बाहर निकलन लगे भी डर लगता है, पता नहीं केड़े वेले की हो जाना है। कुछ पैना ता खूह टोबा भी गंदा कर गया, चीना माहौल होया पया वीरा। कश्मीर हुण तुहानूं डरन दी लोड़ नहीं, कोई भी तुहाडे वल माड़ी निगाह नाल वेंदा तां जवाब ये देणगे। अज तों बाद लाके दे सारे पिंडां च पंज पंज सिंघां दा जत्था बनाओ, ते जे कोई वध घट गल करदा तां उहदा सौदा ला दिओ, ते जिहड़ियां धीआं भैणां नूं उहनां दे सहुरे परिवारां वल्लों कढ़िया गया, भावें ओह हिंदू मुसलमान सिखां जां ईसाइयां दीआं होण, उहनां नूं मुड़ वसाया जावे, ते जिहड़ियां भैणां दे विआह रहिंदे आ उहनां दे विआह कीते जाण। ते जे फिर भी तुहानूं कोई दुख तकलीफ आ तुसीं सानूं मिलो, असीं उहदा हल कढांगे। अब कोई कुछ बोलेगा भी या नहीं, मुंह में जबान तो होगी ना आप लोगों के। सर अगर आप माइंड ना करें तो एक बात कहूं। जी हाँ कहिए। सर इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता है, और ये इनाम वगैरह से कुछ होने वाला नहीं है सर। पूछ सकता हूँ क्यों? सर एक तरफ पुलिस फोर्स है जो अपनी बिहेवियर की वजह से लोगों के दिलों में नफरत फैला रही है, और दूसरी तरफ वो लड़का है जो लोगों के दिलों में घर कर रहा है। Excuse me. कैसे लोगों के दिलों में घर कर रहा है वो? सर कभी वो लड़का किसी गरीब बाप की बेटी की शादी करवाता है। शुक्र है रब दा मेरी धी दा घर भी बस गया। माड़े वेलियां च रब चंगे बंदे काली दिंदा ताई, मेरा ब्याह भी तूफान वीर ने अपने हाथी कीता सी। जीउंदा वसदा रवे, रब उनू राजी रखे। कभी वो अपने स्टेट के लड़कों को नशे से दूर रहने के लिए भाइयों की तरह समझाता है। गरीबों से रिश्ता रखना वो अच्छी तरह से जानता है। एक बारी फिर तूफान सिंह जथे वालों प्रॉपर्टी लैंड वाले नकली खाड़कू काबू, पैसे करवाए वापस। चीनी कसपैट दी फौज मुखी ने लूटने वाले नकली गिरोह को वो बेनकाब करता है। जो लोग दहशत की वजह से घर छोड़कर दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, उन हिंदू भाइयों को पंजाब लाने के लिए वो वहाँ भी जाता है। कोई भी उसके नाम से खौफजदा नहीं होता सर, यही वजह है सर कि हम उस लड़के तक पहुंच नहीं पाते।
डीजीपी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, असी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कोशिश कर रहे होते तो एक 17 साल का लड़का पूरे के पूरे सिस्टम का मजाक उड़ा कर नहीं रखता। सर, इस बार साड़ी प्लानिंग पूरी है। सानू पक्की खबर मिली है कि जवाक दे नाल नाल एदा उस्ताद बर्मा निहंग भी उठे आ रहा है। इको वारी सारे ग्रुप का सफाया किया जा सकता है। तो सफाया कीजिए। सर, वड्डा ऑपरेशन चाहिए, ज्वाइंट ऑपरेशन बाय पंजाब पुलिस एंड रिजर्व फोर्स। इस वास्ते तुहाडी परमिशन चाहिए। जो भी करना है कीजिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। आई वॉन्ट दैट बॉय डेड और अलाइव एट एनी कॉस्ट। हेलो, ओके। सिंगा, ना तोते ना आटा, ते टिड्डी दल साड़ी हवा सुंघदा फिरदा। खबर पहुंच गई है खालसा जी, आथण तक सब आजू। Point 21 calling. There is some movement under the bridge. Yes. 30 degree north to east. Okay. Follow me. मेरे हिसाब नाल आपां नूं किसे तरीके तों निकल जाना चाहिए। मतलब भज गए मैदान छड़ के?
ਉਹ ਜੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਭੰਗ ਦੇ ਪਾੜੇ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਸੂਰਮਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੇ ਤੋਲਮੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਸੂਰਮਤਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹਲਫ ਲਹਿਰ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੱਤੀ ਦੇ ਕੇ ਮੋੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਤਾਂ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਜੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Fall back immediately. Hello. Sir. Jai Hind, sir. Sir, Indian Army ने जंग से पीछे हटना नहीं सीखा है सर, लेकिन किसी की नेग्लिजेंसी के लिए खुद मरने के लिए अपने जवानों को नहीं भेज सकता हूं सर। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ओके बड़ी मुश्किल नाल होम मिनिस्टर साहब तो परमिशन ली सी। जी सर। होया की? कुछ भी। सॉरी सर। उल्टा बदनामी, अखबार भरे पे ने ओदी बाबा नाल। सर मैं कहना जदों तेरे को पक्की खबर नहीं सी ता तू पंगा ले ही क्यों? सर की सर सर जी हजूरी तो लावे को सिखया बढ़िया 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 गल्ला मारदा सी जॉइंट ऑपरेशन होर पता नहीं की डीजीपी है तू पूरे पंजाब दा डीजीपी सांभिया ते तो कल्ला बटाला नहीं जांदा। सॉरी सर। ओ तेरे करके मैनू मंत्री साहब तो झटका खानियां पईयां। एक्सक्यूज मी सर, तुसी टेंशन ना लो, उस तूफान सिंह दा इलाज हुण हो गया समझो। अच्छा की ना उस इलाज दा? साडे डिपार्टमेंट दा सब तो तेज तार हथियार जिथे ला दो दहशत गर्दा नालों ज्यादा दहशत फैलाउंदा है। ना की उसका? SSP अरविंद राम। तेरी सेवा छेती छेती तुर बुढ़िया किदा तरन डिया प्यो दे ब्याह च आए हो? लिहाज करो तुहाडे प्यो दी उम्र दा। की होया बुजुर्गां नूं? गोडे पीड़ करदे आ। इलाज नहीं करवाया? दवाई चलदी आ। ऑपरेशन करा लई हुण। ऐडा गल करी दी हुंदी इहनां दे नाल।
छेती करो चक लिया उस सारा ले बीबी रोटी खा ले बीबी रोटी खा ले मैनू भुख नहीं क्यों दीदे गाल दी है बीबी जेड़ा इन्ने सालां दा नहीं आया की पता हुण उन्हें आना भी है कि नहीं आऊगा वेखी जरूर आऊगा मेरा बाज आ गया मेरा पुत्त बाज मैं गमलिया अपनी मां नूं छड्ड के कित्थे चला गया सी आ तां गया बीबी एवें तो ही जन्नी बस जेड़ा चार वार गया परिवार वार गया सिख कौमी उत्तों पूरा घर बार वार गया हो पुत हो में उसे पुत्रां दे दमी दा ते तुम्हें ओदी ती अमी ए ते तुम्हें ओदी ती अमी ए ओदी दाते ओदी चोली पाने लगी ए तेरा दस नहीं पापा जी हुण तां मुड़ना बहुत औखा ए की जे कुछ पैसे दे पुत जमीन वेची सी जे तू ही नहीं ते जमीन की करनी है पर पापा जी मेरे एक एक कम हुण तां अकाल पुरख ने जेड़ी सेवा लाई है ओही निभाऊंगा अकाल पुरख है ना गरीबां दा दुखियां नूं सजा देण लई रख ले यार कदे कम होंगे सोमवार दफ्तर पहुंची समझ गया ना मेरी गल चंगा आ भैन जी दा नां ते पिंड दा लिख दिंदे जी पता है जी भैन जी केड़ा पहली वारी आए आ पैली वेचन अच्छा अच्छा फिर ठीक है आ लो भैन जी पैसे गिन लो भैन जी इस वार तां कम कोई वड्डा ही पै गया लगदा है हां वीरा कम तां इन्ना वड्डा है कि उहदे लई आ रकम भी बहुत घट है सारे खेडो मैं आई होर सुनाओ भैन जी बड़े चिरा बाद आए हाँ पुलिस नजर भी तो बहुत रख रही है सुखजीत तू बड़ी बार कहती रहनी है कि लहर भी शामिल होना है करेंगे एक काम भैन जी नेकी ते पुछ पुछ दसो ना आ माया जथेदार साहब कोल पहुंचाउणी है पता टिकाणा मैं आपे समझा दांगी पर थोड़ा ध्यान नाल तुसी बेफिक्र रहो पैन जी हाँ तूफान होएगा उते ओ ते मैंने पता नहीं तू आपे जाके वेख ली बैठिया दंदिया ना कड़ी जाओ सारा दिन रड़ी सेवा करे करो मां दी आए सेवा वास्ते सेवक स्यों हाजर है नाले बिना सेवा तो तुसी कुछ मनना थोड़े ही है ओ मुंडियो अंदर जाके देखो ए ना की गल है जी गल गल ए है बुढ़िए तू मैनू ए दस भी इस वेले तेरी ओ हराम दी औलाद है किथे दसना कि नहीं दस दे
नहीं तो मैं छह दिया छह गोलियां तेरे हड़कट दी कोड़ दूंगा। बोल मेरी मां ने छोड़ दे दस दिन ही तो मर जाएंगी मेरे हाथों। मैं तेनू पहले ही दस चुकी हूं सच्ची सानू नहीं पता कि ओ मुंडियो जी जनाब आप आंडा डिंडा चक के रखो गड्डी च। ते जब तो सारा कुछ ले लिया आप प्रांत भी ले जा। कली प्रांत क्यों प्रांत दे नाल आद नये वर्गी सुगात भी जाओगी। चल अपनी मां के भैन थानेदार साहब परिवार बेकसूर है मैं तुम्हें ड्यूटी करने नहीं रोकता बस इनी बेनती है परिवार ने कुछ नहीं कहना। सरपंचा ये तो जानता ना भाई इन्हों का मुंडा अतवादी है। जे मुंडा घर आया मैं हाथ छड़ के आऊं तुहाडे कोल मेरी जिम्मेवारी है बस तुसी इन्हां नूं छड़ दिओ। बहुत बहुत मेहरबानी। सारा पिंड थोड़े नाल तुसी चलो घर जय माता दी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ जी किमें आने हुए थियो मैनू हरपंच पेंजी ने भेजे। अच्छा अच्छा धन्यवाद बीबा। खालसा जी ये माया जंडियाले दे सिंघा कोल पहुंचदी करो ता जो गरीब बीबियां दे नंद कारजां दी सेवा संपूर्ण हो सके। बीबा भैन जी नूं कहना थोड़े दिन आसे पासे रहन ते अपना ध्यान रखन। चंगा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ जी दसो जीओ जत्थेदार साहब मैं भी तुहाडी लहर विच शामिल होना चाहनी हाँ। वो तो तुसी हो ही गए हो जिन्नी दलेरी नाल तुसी ये जिम्मेवारी निभाई है ये सेवा ही तो है। जी मेरा मतलब मुकम्मल तौर पे हमेशा हमेशा लई। मैनू भैन जी ने तुहाडे जज्बे बारे दस्या सी पर कोई भी फैसला लैण तो पहला मैं जानना चाहुंना तुसी लहर बारे किन्ना क जानदे हो। जी जी जो दलेरी नाल लड़े ते मनुखता नूं प्यार ही करे जो कौम दे दुश्मनां नूं करारे हथी सोधे ते गऊ गरीब दी रक्षा करे जो यूपी हरियाणा जाके पंजाब तो गए हिंदुआं नूं मोड़ लियावे निक्के हुंदिया तो हुशियारपुर दी जेलां जिन्हूं रोक ना सकन जिहड़ा कल्ला ही पुलिस दे वड्डे वड्डे घेरिआं नूं खेरू खेरू कर देवे ओह होवे बानी दे लड़ लगे शांचित। क्यों या? एदा मतलब इन्नी देर तो तुहाडियां नजरां तूफान सिंह नूं लग रही सी। जी क्यों? क्योंकि ये सारियां गल्लां
ज्यादातर लहर ना नहीं तूफान सिंह ना संबंधित ने की करिए मुंडा है ही ना दलेर। चलो ठीक है आज तो तुसी लहर का हिस्सा हो ते काम भी तुसी तूफान सिंह दे जत्थे विच करोगे। जनाब बहुत कुटमार कर ली मैं इस पिंड का सरपंच हाँ गुरदास मैं सौ खा के कहना इन्हों चो एक भी मुंडा उन्हां नाल नहीं रलिया होया झूठ पंद्रह तो पंजा साल दे सारे बंदे एक पासे कर लो ते ले चलो थाने छेती करो मैं देखूं कि तेरी तरफ तूफान असी तेरे नाल एक गल सांझी करना चाहुंदे आ सानू लगदा है कि जिन्ना हालातां च असी रह रहे हैं तेनू व्याह करा लेना चाहिए है। नहीं जथेदार साहब मेरा इस बारे कोई विचार नहीं मैं तो पूरी तरह लहर नू समर्पित हाँ ते रहांगा भी। मैं जथेदार हाँ ते मेरा हुक्म तेनू मानना ही पैना। ठीक है जथेदार साहब जो तुहाडा हुक्म। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। चलो भी सिंगो बधाइयां बीबी तेनू। हां पुत दादी बन गई तू बन गई दादी भाई मेनू भी बधाइयां दो कोई तेनू भी बधाइयां पुत तू भी कुड़ी दा प्यो बन गया मां वर्गी है ना गोरी चिट्टी। शुक्र है दातिया तेरा लख लख शुक्र। लै भैने मेरे वंडे दा प्यार भी इहनू तू ही देना हुण। ठीक है वीरा। चंगा बीबी मैं चलता हूं। जिंदा रहे पुत्र। चंगा सुखजीत कौरी ख्याल रखी अपना रब रख। ओ ससरी काल चाचा आ पुत्रा बै 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 होर सुना। बस मां दी कृपा है बस कृपा चाहिदी। ले भी चाचा हैं करा मुंह मिठा ओ धी दा प्यो बन गया तेरा भतीज। मन्नू पता लग गया सी पुत्र तेरे घरों बहुत बहुत बधाइया होर मां दी कृपा बच्ची ते बनी रहे। बधाइया वीरे तेनू बहुत बहुत बधाइया होन। ओ तेनू भी बधाइया होन तू भी ते भूआ बन गई आ। ले डब्बा ले जा ते बाकी सारियां नु भी खवा दे। और सुन पुत्र अपने वीरे वास्ते चाह नहीं बना के देंगी। बाऊ जी की होए जे तुहानू वीरा ते चाह पींदा ही नहीं मैं दूध लियानी आ गरम करके। मैनू पता की होया वा चाचा ओ धी दा प्यो तां हुण मैं भी बन गया है ते तू मैनू अजे भी न्याणा ही समझी जाना। आले रख ला। अकी है पुत्र ओ पैसे यार रख ला काम आउणगे। चाचा रजनी हुणी भैणा ने मेरी भरावां वाले फर्जां वेले मेरा चेता भी नहीं आया तेनू। ओ जोरा शोरा ना तैयारियां खिचो कुड़ियां ते हाथ चकदा वड्डिया मरदा चकना नी गंद वेख दी टेलीविजन च की गंद होए गंद साडियां अखां च गंदा साडे मना च जो तेनू एदे च गंद लगदा
किन्नी तेनू गंद लगता वा ना, इहदा मतलब तेरा मन गंदा वा। मंग माफी। मैं नहीं मंगनी माफी मुफी। तेनू सुनदा वा कि नहीं, मैं कहन डिया मंग माफी। वीरे वीरे नहीं वीरे, छड़ दे वीरे। तू विच ना बोली नीलम, मंग माफी। ਮੈਂ ਜਾਨ ਹੈ ਨੀ ਹੱਥਾਂ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਮਾਰ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਹੈ? ਓਏ ਬੂਠਾ ਭੰਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਬੂਠਾ ਏਦਾਂ ਬਣਿਆ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੂਡ? ਤੂੰ ਦੱਸ, ਹੈ ਦਮ ਹਜੇ ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ? ਕਿਹੋ ਕੀ ਬਸ? ਓਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਖੋਲੋ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਲਹੂ ਪੀਲਿਆ ਸਾਲੇ ਸਿਖੜਿਆ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਉ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਟੋਈ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸਕੂਲ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿੰਘ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਸਾਲੇ, ਘੜੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਵਸਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਗਿੱਦੜ ਤੇ ਆਊਗਾ ਹੀ। ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈ ਇਹਨੂੰ, ਓਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ।
ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਚੱਲ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਜਾ ਚਾਂਦੀ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਬਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵਰੀ ਦੀ ਜੱਫੀ ਪਾਲਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦੀ ਜੁੰਦੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨੇ ਤੇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਚ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਮਰਿਆ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਈ ਯਾਰ ਰੋਵੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁਕਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿਦਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਚੁਕਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿਦਾ ਕਰੋ ਲੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਪਰ ਯਾਰ ਤੂਫਾਨ ਉਹ ਚੱਕਵੇ ਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਮੰਨਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਚਾਂਦੀ ਤਾਂ ਚਾਂਦੀ ਤੁਰ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਓਏ ਤੂੰ ਹੀਰਾ ਹੈ ਹੀਰਾ ਤੇਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਰਾਜ ਕਰੂਗੀ ਤੇਰੇ ਪਰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਦੇ ਚੱਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਵੀ ਤੈਅ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਗਨਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਇਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਨਾਲੇ ਜਿੰਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਹੰਢਾ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਹਾਦਰ ਅਫਸਰ ਖੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਤੇ ਹੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਟਾ ਖੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰੋੜੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਵੇਖਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖ ਸਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇਰਾ ਪਰ ਤੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਟਾਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਚਾਪਲੂਸੀ ਛੱਡੋ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤਿੰਨ ਸੌ ਇਕਵੰਜਾ ਬਟਾਲ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁਲਵਾਓ ਸਾਲੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰੋ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਹੀ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਚ ਬਸ ਓਕੇ ਸਰ ਬਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਰ ਬੋਲ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ। भाई साहब टाइम की हो गया 6 बज गए। सोदर साहब का टाइम हो गया। एक ओहंकार ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਖ ਰੋਗ ਕਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜਾ ਸੁਖ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ। ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਕੋਕ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਰਾਮ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੱਥੇ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਰੜਕਦਾ ਜੰਦਿਆਰ ਜੀ। ਐਡੀ ਟਾਈਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਲਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਨਿਰਾ ਕਿਲਾ ਕਿਲਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦਾ, ਆਖਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਜਪਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਫੇਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਲੇ ਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਗਾਰਦ ਵੱਡੀ ਰੱਖੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਸਤਵਚਨ। ਭੈਣ ਜੀ, ਹਾਂ, ਬੰਬ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਭੋਲੀਏ, ਆਟਾ ਮਤਲਬ RDX। ਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਰ, DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਦੇਣੀ ਸੀ? ਆਹੀ ਸੀ ਸਰ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੀ? ਦੱਸ। ਪਿੰਡ ਸਰ ਆਹੀ। ਆਹੀ ਸੀ, ਆ ਫਾਈਲ ਸੀ? ਹੈ ਅਕਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਸੌਰੀ ਸਰ। ਦਿਮਾਗ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੌਰੀ ਸਰ। ਚਲੋ ਫਿਸਾ, ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਆਇਆ। ਸੌਰੀ ਦਾ ਸੌਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਲੋ ਚਾਏ ਭੈਣ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦਿਖਦਾ? ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ? ਭਾਈ ਤੂੰ ਅੰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ? ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਿਲ ਗਏ, ਮਿਲ ਗਏ। ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਬਈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈ ਚੱਲਿਆ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਭੱਜਦਾ।
ਪਰੀ ਨਾ ਪੀਤੀ ਰਨ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਕਾ ਦਿਆ ਲਿਆ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੱਗ ਤੇ ਗਲਾਸ ਆ ਜਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਨੀ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਡੱਬਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਪੀ ਮੈਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਤੇ ਖੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਯਾਰ ਹੋਰੀ ਟੱਲੀ ਉਹ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਡਾਬਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਰੂਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਟੇਢਾ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਹੈਗੀ ਅੱਧਾ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਟੇਢਾ ਜਾ ਖੜ ਜਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲਈ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦੂੰ ਉਹ ਪਾਉ ਉਹ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵੱਟਣਾ ਫਰਕ ਇਨਾ ਕਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਭਰਾਵਾ ਸੁਣ ਜਰਾ ਹਾਂਜੀ ਕਦੇ ਦਾਲ ਚ ਲੂਣ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਚ ਮਿਰਚ ਵਾਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ 5 ਰੁਪਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਪੈਨੇ ਹੋ ਕਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਹੋ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘੁੱਗਾ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦੂੰ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਜਰਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਗੜਬੜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਗੋਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੈ ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਗੰਦ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਸਰ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੂਲਰ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਰੋਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਆਫਿਸ ਕਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਖੋਪੜੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਜਾ ਇੱਥੇ ਪਸੀਨਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਹੱਡ ਹਰਾਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਹਾਂ ਬਈ ਜਵਾਨੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕੂਲਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਉਂਗੇ ਨਾ ਕੰਮ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿਓ ਭੈਣ ਬੱਚੇ ਬੁੜੇ ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਚ ਮਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ ਇਹਦਾ ਪੁਰਜਾ ਖਰਾਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਬਾਜੂ ਆ ਕੇ ਚੁੱਪ
हराम दी खान दी आदत पै गई तुहानू। तू इत्थे रुक, मैं आ रहा ते मैं दसदा तैनू किवें चक्की देने टब्बर। साहब जी कूलर शाम तक। जी सर। चक लो इनू, खड़िया खड़िया, चल चल, दस किथे तेरा घर। मां मां बनवाई है, है? जम्मू की तात तो ना है तुहाडी तो मैं कौम ही मुकर। आज दे बाद भूल जाने तुसी अपने गुरु पीरा ते रब दा नाम, सिर्फ इको नाम याद रखोगे आज दे बाद। अज बाहर जा रहा है, फिल्मी एक्टरां दा प्रोग्राम है, उन्हें सिर ते नहीं होना ते इत्थों दे सारे स्टाफ ने पी के दारू गंदियां जनानियां नाल खे खांदे होना है। 8:30 बजे तैयार रहो। रुको।
गवर्नर साहब, आप जिस ओहदे पर बैठे हैं उस पर आपसे कुछ कामों की उम्मीदें की जाती हैं, और अगर आप वो काम नहीं कर सकते तो फौरन इस्तीफा दे दीजिए और यह ओहदा छोड़ दीजिए। सर, वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट। लेकिन आपके ट्राई करने से अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ है, जानते हैं क्यों? साम, जो सियासत आपने अपनाई है, जो चालाकी का तरीका आपने दिखाया है, दाम, पैसा, इनाम की जो भारी रकम आपने उसके सर पर रखी है, दंड, अत्याचार, आपके उस ऑफिसर अरविंद राम ने लोगों पर तरह तरह के जुल्म ढाए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। बैठिए। अब तो सिर्फ एक ही तरीका बाकी रह गया है, भेद। याद रखिए, जब जब लंका पर विजय पानी होगी तब तक राम को किसी ना किसी विभीषण की जरूरत पड़ेगी, और फिर हम सब तो रावण ही है ना। सर, मैं पूरी तरह समझ गया, पर सर, इस लड़के का किरदार ही ऐसा है कि इस तो कोई भी दुश्मन लखा विचो भी लभी है तावी नहीं मिलता। दुश्मन कब कहा मैंने? भेदी कहा, भेदी। जब भी कोई इतनी कम मुद्दत में इतनी शोहरत, इतना प्यार पाता है तो जाहिर है उससे जलने वाले भी होते हैं। ढूंढिए, कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। अब कितना पाऊ? बस चढ़दी कला, तू सुना। वाह, बल्ले बल्ले। आ सरदार ने प्रसादा बनायो भाई। मैं नहीं छकना, मेरा जी नहीं करन दे। की होया पाऊ? ओ होना की आ, वावा दिना तो टाइफाइड होया, उदे करके शरीर ढिला मठा रहिंदा। वाहेगुरु वाहेगुरु, मैं ठीक हाँ बिल्कुल, माड़ी मोटी ढिल मठता चलती रहिंदी। बहुता फिक्र ना करो, मैनू लून वाले चौलों ना थोड़ा जा दही दे दियो। तूफान, मैं वावा दिनों तो वेखन दिया भी तू किसी डूंगी सोच रही ना, कोई दिल चो जी गल आ घट्टो घट मेरे नाल ते सांझी कर। हाँ कश्मीर, जिहड़ी लहर आपां चला रहे हैं ना, अक्सर उस लहर बारे सोचदा, आखिर कदों कामयाब होवांगे आपां? असल विच आउण वालियां पीढ़ियां लई आजादी दे असली मायने लभण तुरे हां, पर साडे विचों कुछ लोगों तो भुलां चुका होईआं ने, जिन्हां दा लहर उत्ते बहुत माड़ा असर पैण दिया। आपां रहीए ना रहीए, पर लहर नहीं मुकनी चाहीदी, ते मैं चाहुंदा ये लहर एक लोक लहर बने, लोकां दी अपनी लहर। गल तुहाडी सही है, पर लोग डरे हुए ने, लोकां दा डर कढ़ना भी जरूरी है। ओ ना डरन, इसे लई तां हथियार चके ने, पर एक गल हमेशा याद रखियो, हथियार लोकां नूं डराउण लई नहीं, उन्हां दी राखी लई चके ने, पर गोली ते बंब नाल हक मंगण दा साडा शौक नहीं। जद जमहूरी तरीके नाल हक मंगण गया ते सरकारां डांगा चलाउंदियां ने, तां हथियारां दा चुकना लाजमी है, ते इह हुकम सानूं दशमेश पिता ने दित्ता है। हक सच लई लड़न वाले हमेशा ही सरकार दीआं अखां विच रड़कदे रहे ने। जे हथियार चुकी लए आ ना, ते फिर जंग जित के ही वापस मुड़ांगे, नहीं तो लड़दे ही जान देवांगे। आजादी की लड़ाई लई कई बार हारना भी पैंदा, आजादी मुफ्त नहीं मिलती, इहदा मुल तारना पैंदा।
बाज वो बाज उठ घेरा पैन डह लगता तो कुछ तो नहीं है ना ना पुलिस नाल सीआरपी उठ के वेख ते सही काकू किथे आंदा ही तरली दवाई लैन जाना शहर गया लगता घबरा ना कश्मीर इत्थे आपां नूं कोई खतरा नहीं तूफान दिया सूलां च मैदान छड़ के भजना सिंगो मोर्चे संभालो छड़ के नहीं भजना मैं कहना भजन नूं खेल दिया पिंडो बाहर निकल के लड़ते ना पार्थ Oh,